दिल्ली में 5,500 करोड़ की कोकीन की बरामदगी के मामले में अब जांच ईडी करेगी। ईडी ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मामले से जुड़ी एफआईआर की कॉपी और दूसरे दस्तावेज देने के लिए कहा है। ईडी अब मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत इसकी जांच को आगे बढ़ाएगी। दिल्ली पुलिस ने वीरेंद्र बसोया और उसके बेटों और कुछ अन्य के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। इस बीच कांग्रेस के जिस नेता तुषार गोयल का नाम इस केस में सामने आया है, उसे लेकर कांग्रेस ने सफाई दी है। कांग्रेस का कहना है कि तुषार गोयल को 2022 में ही आरटीआई सेल के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था।